वेलकम टू द वर्चुअल क्लास समस्त को मोर अनेक अनेक स्वागत आज हूँ तुम ए वर्षर प्रथम वर्चुअल क्लास या पूर्व सार तुमको गणित विषय पढ़ाई आम आज विज्ञान पढ़ा विज्ञान प्रथम विषय पदार्थ विषय टी पढ़ा देख या पूर्व तुमने गोटे सप्ताह छुट्टी पाइल खरा अधिक होता जो आम सरकार कौन कले आमको छुआ मान छुट्टी घोषणा करते कि जेहेतु ताती रू टे आश्वस्ति मिली तेणु पुणी आम पाठ आरंभ करवा तो आम आज विज्ञान प्रथम विषय पदार्थ टी पढ़ा आस स्मार्टबोर्ड पाख को जी आशी शतपथी सहकारी शिक्षयित्री सरकारी उच्च विद्यालय पोड़ा जलंग सबडेगा ब्लक आम एवं कौन करवा देख गोटे चित्र आम देखु ये गोटे चित्र अच्छी ना आम कौन देखु तो मैंने कह सुंदर चित्र देखु आम ना से चित्र देख डा अच्छी फूल अच्छी हंस मैंने पहरुंच गोटे घर अच्छी भाई भी डा बन सुंदर खेलु गोटे घर अच्छी ता पाखे गोटे सुंदर गच्छे अच्छी पुणी घास पड़िया अच्छी सूर्य मध्य अच्छा घर चारिपटे गोटे पचेरी बाड़ दिखाई नदी कड़क शब्द होदी तार बही चित्र सुंदर लगुच देख ये चित्र देख लु सब गोटे गोटे पदार्थ तुम्हें जमी घर जिते तुम स्कूल को आसुछ अनेक जिन तुम देखु रास्त आसला बेले गाड़ी मटर गोड़ी बाली गच लता समस्त को देखु ना तो आम चतुर्पार्श्वे आम जो सब वस्तु को देखु ताकूम कौन कहे पदार्थ बोली कही थोड़े आम अनेक पदार्थ देख जमी चित्र अनेक पदार्थ देखले ए सब है गोटे गोटे पदार्थ अनेक गोटे पदार्थ देखले आम तो प्रत्येक पदार्थर किटा निर्दिष्ट वस्तुत्व अच्छी किटा ओजन अच्छी यह जो भी रखा ये किटा स्थान अधिकार कर किसी सम्यक धारणा आम पाइले आम चतुपार्श्वस्थ वस्तु को पदार्थ कह जाए आम चतुपार्श्वे अनेक पदार्थ देखु प्रत्येक पदार्थर कि निर्दिष्ट वस्तुत्व थाए कि स्थान अधिकार करा धारणा मिलला पदार्थ विषय या डिटेल्स पुणी जी देख पदार्थ को आम ये दुई भाग में भाग कले प्राकृतिक पदार्थ एवं कृत्रिम पदार्थ प्राकृतिक पदार्थ एवं कृत्रिम पदार्थ ये गोटे चित्र अच्छी जंगल अच्छी नदी अच्छी झरणा पर देखा जा सूर्य चित्र अच्छी गच्छलता चित्र अच्छी देख ए सब है प्रकृति दत्त आम याकू या ये आपे आपे सृष्टि प्रकृति मिलूँ तेणु आपको आम कह प्राकृतिक पदार्थ तो जो पदार्थ को आम प्रकृति प्रकृति रू पाई आम कह प्राकृतिक पदार्थ जमी उदाहरण मटी उदाहरण है माटी, जल पहाड़ युव माटी को आम या जल को भी आम या पहाड़ को भी आम या सब आपे आपे सृष्टि हो प्रकृति मिले आपको आम कह प्राकृतिक पदार्थ से आ गोटे भाग है कृत्रिम पदार्थ बा मनुष्यकृत पदार्थ देख जो पदार्थ को आम मनुष्य या मनुष्यकृत पदार्थ बा कृत्रिम पदार्थ आम ये पाइले माटी माटी आम निजे खोल की बाहर कले कि से माटी को लेकिन जो आम कुंभार याद मठिया है तो से मठिया ही जामर मनुष्यकृत पदार्थ सब चेष्टा कर जोटा आम प्रकृति रू पाइल से है प्राकृतिक पदार्थ जोटा को आम निजे यालु मनुष्य निजे यालु ताकूम कह मनुष्यकृत पदार्थ बा कृत्रिम पदार्थ एमती काठ काठ कौन जीव काठ जीव प्राकृतिक पदार्थ तो से काठर जो आम टेबुल चेयर सृष्टि करदे से टेबुल और चेयर जीव मनुष्यकृत पदार्थ तो टेबुल इटा ग्लास बासन कुसन आलमीरा कलम बही खाता ये सब है गोटे गोटे मनुष्यकृत पदार्थ बुझा चेष्टा कर पदार्थ को प्रकृतिगत दृष्टि आम दुई भाग कले जहाँ आम प्रकृति रू पाइले कहले प्राकृतिक पदार्थ जहाँ आम निजे याले मनुष्य निजे याला कहे मनुष्यकृत पदार्थ बुझेगा देख
निज निज बही बाहर कर बही काढ़ बही प्रथम पृष्ठ देख गोटे टेबुल गोटे सैड लिखाई प्राकृतिक पदार्थ आ गोटे सैड लिखाई मनुष्यकृत पदार्थ देख समस्ते पदार्थ विषय से टेबुल तुमको काठ माटी लिखाई मैंने आम जानगले काठ माटी हूँ प्राकृतिक पदार्थ सेपरि मनुष्यकृत पदार्थ सैड लिखाई टेबुल एवं इटा बाकी घर गुडाक आमको खाली छड़ाई तुमको टिके समय दौर तुम मैंने लिखी दिखे बुझा प्राकृतिक सैड लेख जल कोईला सूर्य चंद्र वायु विभिन्न प्रकार खनिज पदार्थ है मनुष्यकृत तुम इच्छा मनुष्य जहाँ तैयारी कर लिखी से माने ना तुम तुम मन रू भी लिखी पार बही बासन कुसन जानवाहन सार लुगापटा कानफुल सबू हम मनुष्यकृत पदार्थ देख आमर खनिज पदार्थ मटी तोड़ पाइले आम सुना सुना को आम से लिखिले कौन सुना को आम लिखिले खनिज पदार्थ प्राकृतिक पदार्थ किंतु जो सुनार कानफुल बनईदे सुनार हार बनईदे से आम सुना को कौन कह आमर मनुष्यकृत पदार्थ है काठ माटी जल कोईला सूर्य वायु ये सब है प्राकृतिक पदार्थ टेबुल इटा बही बासन कुसन जानवाहन सार लुगापटा कानफुल विभिन्न प्रकार आसबाबपत्र पलंक खट ये सब है मनुष्यकृत पदार्थ देख एबे तुम मैंने निजे बाछी की कह मनुष्यकृत पदार्थ कौटा एवं प्राकृतिक पदार्थ कौटा चित्र देख तो देख मु पचारे तुम उत्तर देव तो देख गोड़ी गोड़ी पथर कौन हम गोड़ी पथर के प्रकार पदार्थ हम बारगाड़ गर्ल्स स्कूल गोड़ी पथर के प्रकार पदार्थ अधीनस्थ हम बाकी प्रकार पदार्थ हम गोड़ी पथर के प्रकार पदार्थ हम हाँ बहुत सहज प्रश्न गोड़ी पथर आम निजे तैयारी करू ना सी कौन वर्ष वर्ष धरी शिणार चुनी भवन है गोड़ी पथर बाली माटी तैयारी हो तो से गोड़ी पथर शिला ये के प्रकार पदार्थ हम शिला पथर हम आम प्राकृतिक पदार्थ सूर्य हे प्राकृतिक पदार्थ गच्छ प्राकृतिक पदार्थ फल मूल प्राकृतिक पदार्थ से सुंदर फ्रक अच्छी मनुष्य निजे तैयारी करपड़ा बनईकी तुम्हें परवर्त अध्याय अच्छी तुम पशम तंतु रेशम तंतु तंतु विषय से पढ़ से वस्त्र विषय अधिक जानव तंतु वस्त्र तो से जो ड्रेस स्वेटर लैपटॉप बैग पंखा घर चौकी ए सब है आम मनुष्यकृत पदार्थ जेहेतु आम निजे करला मनुष्यकृत पदार्थ एवं प्राकृतिक पदार्थ तापरे आमे चतुर्थ श्रेणी रु पढ़ी आसीछु जे पदार्थर तीनोटी अवस्था अच्छी कठिन अवस्था तरल अवस्था एवं गैसीय अवस्था पदार्थर तीनोटी अवस्था अच्छी कठिन अवस्था तरल अवस्था एवं गैसीय अवस्था तो ये देख ये कहा चित्र ये हला इटार चित्र समस्त देखी पार छो ये हला इटार चित्र क्या कुछ छुईले आमको टाण लगे याको आम सहजरे भांगी पारिबा नहीं इटा हूँ एक कठिन पदार्थ इटा हूँ एक कठिन पदार्थ यार गोटे निर्दिष्ट आकार अच्छी आकृति अच्छी यार आकृति देखिए आम जानू जे ये हला इटा यटा जी बही गोटे रखी था तुम्हें कही था जो हाँ ये हूँ बही कारण यार निर्दिष्ट आकार अच्छी आकृति अच्छी वस्तुत्व अच्छी आयतन अच्छी किसी जगह से अधिकार करुच्ची ए सब है गोटे कठिन पदार्थर लक्षण आउ थे देखा पदार्थर तीनोटी अवस्था अच्छी कठिन अवस्था तरल अवस्था एवं गैसीय अवस्था इटा गोटे कठिन पदार्थ यार निर्दिष्ट आकार आकृति अच्छी ओजन अच्छी आयतन अच्छी जो थे रखिले ये किसी स्थान अधिकार देख या पर अच्छी तरल पथ ये मुझे जल
जल एक तरल पदार्थ। जल जगार तुम आउ कौन हो पारे? क्षीर हो पारे, महु हो पारे, तेल मध्य हो पारे। आम जोटा को पानिया जिनस कहू सब तरल पदार्थ। तरल कौन अच्छी? निर्दिष्ट आयतन अच्छी, वस्तुत्व अच्छी, किंतु तार निर्दिष्ट आकृति नहीं। ये कौन करे? जो थी रखू, जो थी रखू बा धारक पात्र आकृति धारण कर। देख या को ग्लास रखले, ये ग्लास आकार धारण कला। बोतल रखले, बोतल आकार धारण कला। पुणी ग्लास ढाली दे, ग्लास आकार ढाली। तरल पदार्थर से गुण सी कौन करे? तार निजर किसी निर्दिष्ट आकृति न थाए, से जो भी रखा। देख तुम्हें गाधवाप गोटे बाल्टी व्यवहार कला, गोटे मग व्यवहार कला। पानी जो बाल्टी रख लाल्टी आकार बाल्टी आकार धारण कला। तुम्हें गाधवाप मग्रे नहींगल ते मग आकार धारण कला। तो तरल पदार्थ सब बड़े धारक पात्र आकृति धारण कर। तार आ गोटे गुण है ये सर्वदा निम्न गामी। पानी देखते झरणा देखी झरणा पानी ऊपर तल को बही आसे। ए देख बही जा पानी बोतल रु टे आम जब तल को करदे ये कौन हम तल को बही आसे, ये मध्य बही आस। तो तरल गोटे गुण है ये सर्वदा निम्नगामी, सब से तल आड़ बही दे। क्षीर हौ, महु हौ, तेल हौ, ये तल आड़ बही आसे। ये है तरल पदार्थ लक्षण। तापर आम आसवा गैसीय पदार्थ। कहार चित्र अच्छी देख, ये है धूपकाठी धूआ, ये है विभिन्न रंग बिरंगी सुंदर सुंदर बेलून। तुम जो जात्रा देखी जाओ तुम बेलून किणिक आने भल लगे, कि बेलन को फुकवा आगे केमती थाए देखी छोटे थाए। भितर आम हवा भरी दू, पवन भरी दू, चाप पाइले से फुली उठे। वायु से भितर धरेबा कथा सी से आकार रे फुले। जदि अधिक पवन हो अधिक वायु से कौन हम फाटी जाए। तो वायु यहाँ गोटे गैसीय पदार्थ, यार वस्तुत्व अच्छी किंतु निर्दिष्ट आयतन आकृति नहीं। वायुर कौन अच्छी? वस्तुत्व अच्छी, आयतन नहीं निर्दिष्ट कि आकृति मध्य नहीं। सामान्य ताप और चापर तारतम्य हेले यार आयतन ह्रास बृद्धि होता है। जदि आम ताप देवा आम चाप देवा तार आयतन बढ़ी पारे, आयतन कमी पारे। तो आम जो ताप और चाप देवा सीपर निर्भर करे। देख ए खरा दिन तुम स्कूल मान सब मल्लीफुल गच लगाई थो, सब मल्लीफुल गच जो तुम से जगह देखे जाऊ तुम नाक पूरा मल्लीफुल बास्ना पहुंची जाए, जापक यही पाखे मल्लीफुल गच अच्छी। बास्नाटा कौन है? वायु द्वारा चारिड़ को फेल। तो वायु है गोटे गैसीय पदार्थ। तापर आम विभिन्न पदार्थर गुण देखा, ताकि भल भाव लक्ष्य कर। स्थिर तापमात्रा रे कठिन पदार्थर आकार और आकृति, कठिन पदार्थर आकार और आकृति एवं आयतन रे कौन सी परिवर्तन हुए नहीं। जदि तापमात्रा समान अच्छी ताले कठिन पदार्थर आकार हो बा आकृति हो कौन सी थी किसी भी परिवर्तन हुए नहीं। स्थिर तापमात्रा रे तरल पदार्थर आयतन अपरिवर्तित रहे, किंतु तार आकार और आकृति धारक पात्र आकृति अनुसार बदली जाए। जो रहा जो रखा से हिसाब से तार आकार और आकृति पर घटे। स्थिर तापमात्रा रे गैसीय पदार्थर आकार आयतन एवं आकृति आबद्ध पात्र आकार आयतन आकृति अनुसार होता है। जो रखा से हिसाब से तार आकार हम आयतन हम आम सब आबद्ध बंद डबारे रख। तरल पदार्थ रखापी तरल पदार्थ रखापी आमको गोटे पात्र आवश्यक होता है। ता खोला हेले भी चल, आबद्ध हेले भी चल, किंतु जदि आम डबारे रखा ना कौन गोटे पात्र रखा ना, ये कौन हम ऊर्धर निम्न को सब बही जी। तरल पदार्थ को रखापी सब गोटे पात्र निहाती आवश्यक होता है।
ତମେ ଯେମିତି ଫ୍ରୁଟି ପିଉଛ, ଫ୍ରୁଟିଟା ତରଳ ପଦାର୍ଥ, ତାକୁ ରଖିବା ଗୋଟେ ଡବାରେ ଆସୁଛି, ବୋଟଲରେ ଆସୁଛି, ଖୋଲା ରହିଲେ ସେ ବହି କରି କୁଆଡେ ପଳେଇବ, ତାକୁ ଆମେ ଆଉ ଆଣିପାରିବା ନାହିଁ। ତେଣୁ ତରଳ ପଦାର୍ଥ ରଖିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଖୋଲା ବା ଆବଦ୍ଧ ଜାଗା ଦରକାର ହେଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଗ୍ୟାସୀୟ ପଦାର୍ଥକୁ ସର୍ବଦା ଆବଦ୍ଧ ପାତ୍ରରେ ରଖିବାକୁ ହୋଇଥାଏ, ନଚେତ ଏହା ବାହାରି ଯାଇକରି ବାୟୁମଣ୍ଡଳକୁ ଚାଲିଯାଏ। ବନ୍ଦ ପାତ୍ର ଭିତରେ ରଖିବା ନହେଲେ ଇଏ କ'ଣ ହବ, ବାହାରି ପଡ଼ି ବାୟୁମଣ୍ଡଳକୁ ଚାଲିଯାଏ। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ପଦାର୍ଥର ଯେଉଁ ତିନୋଟି ଅବସ୍ଥା ଅଛି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ପୁଣି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଥାଏ, ସେଟା ପଦାର୍ଥର ଅବସ୍ଥାର ଅନ୍ତଃ ରୂପାନ୍ତରଣ। ଯଦି ଆମେ ତାପ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ତାହେଲେ କଠିନ ପଦାର୍ଥ ତରଳ ପଦାର୍ଥରେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହୁଏ। ତାପ ପ୍ରୟୋଗ କଲେ କ'ଣ ହୁଏ, କଠିନ ପଦାର୍ଥ ତରଳ ପଦାର୍ଥରେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହୋଇଥାଏ, ଏବଂ ତରଳ ପଦାର୍ଥକୁ ଯଦି ଉତ୍ତପ୍ତ କରିବା ତାହେଲେ ଗ୍ୟାସୀୟ ପଦାର୍ଥରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଥାଏ। ଦେଖ ଆମେ ଏଠି ଯଦି ଇଏ ନେବା, କ'ଣ ନେବା, ବରଫ, ଆମେ ଏଠି କ'ଣ ବରଫ ନେଲେ ତାକୁ ଯଦି ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ତାପ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା, ଗରମ କରିଦେବା, ତାହେଲେ ସେ ଜଳ ହେଇଯିବ, ପାଣି ହେଇଯିବ। ସେଇ ଜଳକୁ ପୁଣି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆଉ ତାପ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ସେ ଫୁଟିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବ, ଲାଷ୍ଟରେ ସେ କ'ଣ ହବ, ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପ ହେଇଯିବ, ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପ ହେଇଯିବ। ତାର ବିପରୀତ କ୍ରିୟା ହେଉଛି ଗ୍ୟାସୀୟ ପଦାର୍ଥକୁ ଯଦି ଆମେ ଥଣ୍ଡା କରିବା ତାହେଲେ ସେ କ'ଣ ହେଇଯିବ, ଜଳ ହେଇଯିବ। ଜାଣିଛ ଯେତେବେଳେ ବର୍ଷା ହୁଏ ଛଅ କ୍ଲାସରେ ପଡ଼ିଛ ଜଳ ଚକ୍ର, ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପ ଥଣ୍ଡା ହେଇକରି ବର୍ଷା ହେଇକରି ଆମ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠ, ଜଳ ଯେତେବେଳେ ପୁଣି ଅତି ଥଣ୍ଡା ହେଇଯିବ, ଶୀତଳୀକରଣ ହେଇଯିବ, ସେତେବେଳେ ସେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯିବ କୋଉଥିରେ, ବରଫରେ। ବର୍ଷା ଯଦି ଅତି ଥଣ୍ଡା ହେଇଗଲା ସୃଷ୍ଟି, ବରଫ ବା କୁଆପଥର ଆକାରରେ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ପଡ଼ିଛି। ତାକୁ ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖିଦିଅ, କାରଣ ଇଏ ପରୀକ୍ଷାରେ ତୁମର ଆସିବ ଯେ ପଦାର୍ଥର ଅନ୍ତ ରୂପାନ୍ତରଣ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝ। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା କଳନାଙ୍କ କ'ଣ, ହିମାଙ୍କ କ'ଣ ଏବଂ ଫୁଟନାଙ୍କ କ'ଣ। ବହି କାଢ଼ ବହିରେ ଦେଇଛି ଦେଖ, ଯେଉଁ ତାପମାତ୍ରାରେ ବରଫ ତରଳି ଜଳରେ ପରିଣତ ହୁଏ ତାକୁ ଜଳର ଗଳନାଙ୍କ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଯେଉଁ ତାପମାତ୍ରାରେ ବରଫ ତରଳି ଜଳରେ ପରିଣତ ହୁଏ ତାହାକୁ ଜଳର ଗଳନାଙ୍କ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ଏବଂ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ କୁହାଯାଏ ଗଳନ। ଯେଉଁ ତାପମାତ୍ରାରେ ଜଳକୁ ଶୀତଳୀକରଣ କରି ବରଫରେ ପରିଣତ କରାଯାଏ ସେହି ତାପମାତ୍ରାକୁ ଜଳର ହିମାଙ୍କ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଘନୀଭୂତ ବା ହିମାୟିତ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଯେଉଁ ତାପମାତ୍ରାରେ ଜଳ ଫୁଟି ବାଷ୍ପରେ ପରିଣତ ହୁଏ ତାକୁ ଜଳର ସ୍ଫୁଟନାଙ୍କ କୁହାଯାଏ, ଏବଂ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ସ୍ଫୁଟନ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଟିକେ ଆକୁ ଲେଖି ପକାଅ, ଏଇଟା ସବୁବେଳେ ପରୀକ୍ଷାରେ ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସେ। ଯେତେବେଳେ ଆଗକୁ ତୁମେ ତାପ ବିଷୟ ପଢିବ, ସେ ସପ୍ତମ ଶ୍ରେଣୀରେ ବିଜ୍ଞାନରେ ଆଗକୁ ଅଛି ତାପ ବିଷୟ, ସେତେବେଳେ ଏହା ବିଷୟରେ ତୁମେ ଅଧିକ ଜାଣିବ। ଟିକେ ଲେଖି ପକାଅ, ଫଳନ କହିଲେ କ'ଣ, ହିମାଙ୍କ କହିଲେ କ'ଣ, ହିମାୟିତ କହିଲେ କ'ଣ, ସ୍ଫୁଟନ କହିଲେ କ'ଣ, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ ଲେଖି ପକାଅ। ଦେଖ ଯଦି ଆମେ ବରଫକୁ ଆଣିକି ବାହାରେ ରଖିଦେବା ତାହେଲେ ଇଏ କ'ଣ ହୁଏ, ଜଳରେ ପରିଣତ ହୁଏ। ଏ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଗୋଟେ ମଜାଦାର କଥା କହିବି, ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ପ୍ରଥମ କ୍ଲାସରେ ପଢୁଥିଲି, ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ତ ତୁମେ ଖାଇବା ପାଇଁ ସୌକି କର, ମତେ ବି ସୌକି ଲାଗେ, ମୁଁ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଗୋଟେ କିଣିକି ଖାଇଥିଲି। ସେତେବେଳେ ଆମର ଖାଇଛୁଟି ସମୟ ଥିଲା, ଆଉ ମୁଁ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ଟା ଟିକେ ଖାଇଛି କି ନାହିଁ ଘଣ୍ଟା ବାଜିଗଲା, କ'ଣ କଲି ତାକୁ ଆଣିକି ମୋର କମ୍ପାସ ଭିତରେ ଭରିଦେଲି, କମ୍ପାସ ବକ୍ସ ବା ଜ୍ୟାମିତି ବାକ୍ସ ଭିତରେ ଭରିଦେଲି। ସେତେବେଳେ ଆମର ଟିଣ ବାକ୍ସ ଥିଲା, ତମେ ଯେମିତି ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ବାକ୍ସ ବି ବ୍ୟବହାର କରୁଛ, ଆମର ଜ୍ୟାମିତି ବକ୍ସ ଟିଣର ଥିଲା, ତା ଉପରେ ଗୋଟେ ବାଘର ଚିତ୍ର ଥାଏ ନହେଲେ ନଟରାଜ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଚିତ୍ର ଥାଏ, ସେଇ କମ୍ପାସ ଭିତରେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଭରିଦେଲି କମ୍ପାସ ବକ୍ସ ଭିତରେ, ଆଉ ମୁଁ ଭାବିଛି ଯେ ମୁଁ ପଛେ ତାକୁ ଖାଇବି। ଯେତେବେଳେ ପଛେ ମୁଁ ଖୋଲିଛି ଜ୍ୟାମିତି ବାକ୍ସକୁ ସେତେବେଳେ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଗାଇବି, ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଗଲା କୁଆଡେ, ପାଣି ହେଇକି ବହିଯାଇ ସେ କ'ଣ କଲା, ମୋର ସବୁ ବହି ଖାତାକୁ ଭିଜେଇଥିଲା। ଆମ ଘରେ ସେଦିନ ବହୁତ ମାଡ଼ ବି ଖାଇଛି, ମୁଁ ସେତେବେଳେ ଜାଣିନଥିଲି ଯେ ବରଫଟା ତରଳିକି ଜଳ ହେଇଯାଏ। ମଜା ଲାଗିଲା ନା, ତମ ସହିତ ବି କିଛି ଏମିତି ହେଇଥିବ ହେଲେ ତୁମେ ମନେ ପକେଇବ ତାକୁ। ତ ସେଇ ଯୋଉ ବରଫ ତରଳିକି ଜଳ ହଉଛି ସେଇ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ କୁହାଯାଏ ଗଳନ, ଏବଂ ସେଇଟାକୁ ଜଳର ଗଳନାଙ୍କ କୁହାଯାଏ। ଯେଉଁ ତାପମାତ୍ରାରେ ଜଳ ଥଣ୍ଡା ହେଇ ବରଫରେ ପରିଣତ ହେଉଛି, ଫ୍ରିଜରେ ଯଦି ଆମେ ପାଣି ରଖିବା ତାହେଲେ ବରଫ ହୁଏ ନାହିଁ,
बोतल पा रखि से थंडा हम कि डीप फ्रिजर भितर आइस चेम्बर भितर भरवा से जगह तापमात्रा बहुत कम से ही जल बरफे परिणत होता है। प्रक्रिया को घनीभूत हिमायत कह जाए आई तापमात्रा को जल हिमांक कह जाए। सेपरि जदि माँ मैंने भात रांधु थे तुमने समस्त देखी थो तुम माँ मैंने भात रांधती प्रथम भात डेक्ची नहीं चूली में बसई था पाटा देख सांगे सांग गरम हुए ना कि समय गला पाटा फुटवाक आरंभ कै तो जो तापम्रे जल फुटी बांफरे परिणत हुए जलर स्फुटनांक कहुए से फुटवा प्रक्रिया को विज्ञान भाषा कह जाए फुटन बुझेगा। तो जल स्फुटनांक के गणनांक के विषय तापम्रा विषय पढ़ा ये सप्तम श्रेणी से डिटेल्स अच्छी एवंपाई खाली आम जानी था प्रक्रिया गुड़ाक कौटा घनीभवन कौटा बा हिमायत कौटा आफुटनांक बुझेगा। देखा ऊर्ध्व पातन देख पे तुम्हें मैंने सब गंध कर्पूर जानचो ना गंध कर्पूर धलार बल छोट छोट बल आसे पैकेट रखे खोला रखा तो दु दिन कि तीन दिन पर देख से पूरा छोट छोट हो जाए ना कुआ गायब हो कड़े गला से आम देखा जो गंध कर्पूर ताको विज्ञान कह जाए नाथालीन गंध कर्पूर को विज्ञान कह जाए नाथालीन बल ये नाथालीन बल आणी गुंड करें कौन करवा गोटे छोट गिनारे नवा आई जो देख ये गोटे गिनारे नहीं गोटे फनेल को ओल्टा करके घोड़े देवा गोटे फनेल फनेल को घोड़े देलापर आम कौन करवा तुला को कपा को जो कहे अल्प ओदा कर फनेल बाहर पटे आम टिकेट केमती छुआई देवा ये तुला को आम रखीदे पार तापर आम गोटे स्पिरिट लैंप साहब कौन करवा गरम करवा गरम करने समय देखा गिना भितर जो नाफ्थालीन गुंड अच्छी जो गंध कर्पूर गुंड अच्छे तार कौन पर आम जाने जो गरम कर मानते पा ही जाए देखा गिना खाली पा ना गला कड़े फनेल भितर पटे धड़ा धड़ा आस्तरण हो लगीन बल गुड़ाक तार गुंड गुड़ाक जान ले जो गंध कर्पूर नाफ्थालीन को गरम करे गरम होकर कौन हो तरल हो सीधा ये बाष्पीभूत पर आम दे ओदा तोला छुई दे तो से जो ओदा तोला को छुई दे सी कौन कर थंडा करदे थंडा हो पुणी हो कठिन ये प्रकार प्रक्रिया को कह जाए ऊर्ध्व पातन कठिन नाफ्थालीन गुंड को उत्तप्त करने द्वारा ताहा तरलिला नाही फनेल भितर पटे जो आस्तरण लगिथिला एहा ही होची नाफ्थालीन रो थंडा आस्तरण ए प्रक्रिया को ऊर्ध्व पातन कह जाए। एवं ए भले केतिटी पदार्थ अच्छी गरम कले ये कौन है सीधा ग्यासीय अवस्था को परिवर्तित होता है कठिन रु सीधा ग्यासी अवस्था तरल हुए ना या तरल रूप ना थंडा हेले पुणी से कठिन कठिन रु ग्यासीय ग्यासीय रु पुणी कठिन ए प्रकार पदार्थ को कहुए उद्वायी कठिन पदार्थ जार गोटे उदाहरण आम ने परीक्षा कर देखने जहाँ गोटे इम्पोर्टाट उद्धपातन परीक्षा आसे तुमको तुम्हें भल भाव देखी थ इसे आम पदार्थ अंतरूपातरण चित्र मध्यम बुझा कठिन पदार्थ गरम कर सीधा गैस हो जाए से हूँ ऊर्ध्वपातन ताकू थंडा कले पुणी कठिन जदि हो प्रक्रिया है घनीकरण तापर कठिन को जदि आम तरल अवस्था रूपातरण कले से प्रक्रिया है गलन तरल जदि पुणी कठिन हो गला से प्रक्रिया को कह घनीभूत बाहिमायित शीतलीकरण से तरल जदि तरल जदि ग्यासीय परिणत हो गला फुटवाक लगला से स्फुटन बाष्पीकरण से ग्यासीय थंडा हो गला जदि जल हो गला से प्रक्रिया को कहला आम घनीकरण अथर देखनी कठिन तरल ग्यासीय केमी तीनो जाकर रूपातरण घटू तामें देखा देख सॉलिड अर्थ कठिन लिक्विड अर्थ है तरल गैस
अर्थ है आम गैस प्रत्येक पदार्थ भितर अनेक गुड़े कणिका अच्छी कणिका मान भर गोटे लेखा बल अच्छी आकर्षण बल अच्छी परस्पर तुम्हें टाणी रखिथा से आकर्षण बलटा कठिन अलग सरल अलग एवं गैस अवस्था अलग भितर जो शून्य स्थान अच्छी जो खाली जगह अच्छी से सज्जीकरण से शैली देखी ही जना पड़े प्रकृति से कठिन कि सरल कि गैस पदार्थ जो कणिका गुड़िक अच्छी कणिका मध्य शून्य स्थान परिमाण आकर्षण बल एवं कणिका गुड़िकर सज्जा शैली ही निर्धारण करिथे केउटी कठिन पदार्थ केउटी तरल पदार्थ एवं केउटी गैसीय पदार्थ ए जो सज्जीकरण टाकू विज्ञान भाषा रे कहा जाए निचयन पदार्थ कणिका गुड़िकर सज्जीकरण को विज्ञान भाषा रे कहा जाए निचयन कठिन निचयन देख तरल निचयन देख एवं गैसीय पदार्थ निचयन देख कठिन तार कणिका गुड़िक पूरा लगालगी अच्छी या भितर शून्य स्थान परिमाण बहुत कम तेनाली सहजे आम अलग करना कि तरल भितर शून्य स्थान परिमाण टिके अधिका अपेक्षाकृत अधिका आउ कौन हम तर आकर्षण बल टे कम सब कम आकर्षण बल हूँ गैसीय भितर मानते चार खेड़ ही जाए तो आम ये कणिकार निचयन विषय देखिले देख कठिन पदार्थ कणिका गुड़िक शून्य स्थान परिमाण सबुठ कम ईटाखंडी को सहजे आम अलग करण तार कणिका गुड़िक आकर्षण बल बहुत अच्छी तरल पदार्थ गुड़िकर कणिका मध्य दूरत्व सामान्य अधिका तेनालीर आकर्षण बल टे कम कठिन अपेक्षा पा आंजुले आने कह तुम एमती आनी पार कि सेफ्टीपिन खंडे भांगिक आण कह तुम सहजे आनी पार ना आज धूपकाठी धूआ टे आण कह तुम आदू आनी पार ना कारण गैस पदार्थ कणिका गुड़िक दूरत्व बहुत से चार खेले ही था भितर आकर्षण बल बहुत कम तेणु सब आबद्ध डबा भितर रखा आवश्यक आउे निचयन बुझीदे कठिन पदार्थ कणिका गुड़िक शून्य स्थान परिमाण सबुठ कम ये देख तुम निजे देख ये है कठिन कठिन पदार्थ भितर आमर कौन हो कणिका गुड़िक पूरा खुंदा खुंदी पूरा लगालगी अच्छा तेनाली सहज अलग आकर्षण बल बहुत ये है तरल तरल कणिका गुड़िक कौन अच्छी आमर आकर्षण बल कठिन अपेक्षाकृत तो कम अच्छी आउ शून्य स्थान टे अधिका अच्छी गैस जिते बड़े जावा भितर आकर्षण बल बहुत कम शून्य स्थान परिमाण बहुत अधिका एमने चार खेले ही जाती तेणु आपको सब बड़े आबद्ध बा बंद डबा भितर रखा पड़े देखिदे टे विभिन्न गुण कठिन पदार्थ कणिका गुड़िकमती था निचयन सज्जा शैली केमी तापर आम प्रश्नवल देख बहुत सहज सहज प्रश्न अच्छी सठिक प्रश्नर उत्तर पाखे आम कौन करवा टिक चिन्ह देवा यार करे मुझे निम्नलिखित मध्य क्यों प्राकृतिक पदार्थ नुह तो चंद्र रास्ता एवं जल क्यों प्राकृतिक पदार्थ नुहे रास्ता वेरी गुड रास्ता ठीक अच्छे बस सुंदर उत्तर दे रास्ता कहीं प्राकृतिक पदार्थ नुहे किए कह पार रास्ता कहीं प्राकृतिक पदार्थ नुहे कि प्रकार पदार्थ रास्ता रास्ता जी प्राकृतिक नुहे कि प्रकार पदार्थ कह कारण रास्ता के मनुष्य तैयारी करी थी बहुत बढ़िया उत्तर दे तो ये रास्ता है मनुष्यकृत पदार्थ तेणु रास्ता हम ठीक बसी जाओ क्यों पदार्थ टी चक चक करे ना षष्ठ श्रेणी पढ़ाई कोयला सुना रूपा तंबा एवं कोयला से भितर सठिक उत्तर कौटा हम कोयला ना ठीक अच्छे सुना चक चक करे रूपा चक चक करे तंबा मध्य चक चक करे किंतु कोयला चक चक करे ना तेणु बीएसआई स्कूल ठीक उत्तर देच
कोयला। क प्रश्न हला जल केऊ प्रकार पदार्थ कठिन पदार्थ तरल पदार्थ तरल पदार्थ वेरी गुड कोडा जन तरल पदार्थ वेरी गुड जल होची तरल पदार्थ केउटी एक कठिन पदार्थ इटा महु इटा जल धूल इटा 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 वेरी गुड महु हैला तरल पदार्थ जल भी होची तरल पदार्थ धुआ होची गैसीय सठिक उत्तर देछ इटा होची हमर कठिन पदार्थ। पर प्रश्न हैला निम्नलिखित पदार्थ मध्य केउटी एक उद्वायी पदार्थ केउटी उद्वायी जोटा कि तरल रूप ना कठिन रु सीधा गैसीय रूप को रूपांतरित होइथाय क्षीर बही गंधकर्पूर अम्लजान कोटा हम उद्वायी पदार्थ एबे पढ़िले आम ऊर्ध्वपातन कहते ऊर्ध्वपातन पढ़िले गंधकर्पूर बहुत बढ़िया ठीक उत्तर दे गंधकर्पूर धन्यवाद समस्त को बढ़िया बढ़िया उत्तर देल समस्ते। तापर देख तुमको गोटे गृह कार्य अच्छी गृह कार्य अच्छी तुम ऊर्ध्वपातन कार्य है तुम ऊर्ध्वपातन प्रक्रिया कहले कौन बुझ ऊर्ध्वपातन प्रक्रिया कहले कौन बुझ चित्र सहित वर्णना कर तुम्हें तार चित्र बनेब प्रक्रिया गोटे जिते लेखा जाए प्रथम आवश्यक उपकरण आवश्यक सामग्री लिखा तापर प्रणाली लिखा लास्ट आम कौन से शिखिले कौ सिद्धांत पहुंचले लिखा तो से ऊर्ध्वपातन प्रक्रिया को तुम्हें चित्र सहित वर्णना कर निज निजर विज्ञान शिक्षक शिक्षयित्री को देखेब तो ये है ऊर्ध्वपातन आउ तो आम पदार्थर विभिन्न गुण विषय आलोचना कले आशा कर तो समस्ते भल भाव बुझी पार समस्त को मु धन्यवाद जनाऊ धन्यवाद।